हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने घर में गैस टॉर्च कैसे बना सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला था, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें बोतल चाहिए और हमें बोतल के ढक्कन पे सामने ऐसे एक छेद कर लेना है। और हमें चाहिए ये कार्बेट, ये आपको आसानी से परचून की दुकान में मिल जाएगा। ये कार्बेट आम पकाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ये आपको परचून की दुकान पे मिल जाएगा। और हमें चाहिए स्लाइम, ये जो आपको मेडिकल में उपलब्ध हो जाएगा। और हमें चाहिए थोड़ा सा पानी। ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये ढक्कन में हमें इसको फिट करना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसको इसमें से डालकर हमें किसी चीज़ से इसे बंद कर देना, जिससे कि इसका हवा बाहर पास ना हो पाए। तो मैं इसे ग्लूगन से बंद कर देता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ग्लूगन है, इसे मुझे अच्छे से बंद कर देना। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। कार्बेट को डाल देते हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि कार्बेट कैसा होता है। तो अब हम इसके अंदर कार्बेट को भर देते हैं, फिर आप देखना इसमें कैसा अजीब सा गैस बनेगा। ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर कार्बेट, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर गैस भी बनता है बहुत स्पीड से। आप देख सकते हैं बुलबुले बनते हुए पूरा। जल्दी से बोतल को बंद कर देना, जिससे गैस बनाना निकले। देख सकते हैं गैस पूरा बन रहा है, ये देखिए बुलबुला निकल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को साइड रख देते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइस, प्लीज़ मुझे 1000 के तक के सब्सक्राइब जरूर दें। थैंक यू।